वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम ऊपर आए हैं छत पे, ये अपने जानवरों को देखते हैं। आज ना मैं ऊपर बस दाना वगैरह डाल के चले गया था, क्योंकि सुबह सुबह ना यार धूप बहुत ज़्यादा होती है, इतनी गर्मी होती है शदीद वाली, फिर ऊपर आने का दिल ही नहीं करता। पर ना इन सबको मैं चारा डाल के दाना वगैरह उनको दाना डाला, उनको चारा डाल के ना मैं खरगोशों को मैं नीचे चले गया था। मैं तरबूज भी लाया हुआ था, तरबूज भी डाल दिया था इनको। चलो मैं आगे अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी अपने चिक्स भी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह ये कितने प्यारे हो रहे हैं। शाम क्या अभी इनको ताला लगाया हुआ, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह ताला लगाया हुआ है। देखिए दाना फीड इनको डाल दिया हमने, फीड का बटन चेंज कर दिया इनका, वो भी दाना डाला हुआ है। और पानी भी इनका निकाल दिया, क्योंकि ना इनको एक टाइम ही डालते हैं। अभी पानी अंदर रख देंगे, ये देखें तलाओ शाम। अब अपने खरगोशों के पास चलते हैं दोस्तों, खरगोश भी दिखाएं दोस्तों। ये दो बच्चे दिए थे ना एक खरगोश ने, वो भी बिल्कुल अच्छे हैं। और ना कल हमने ना अपने अंडों की कैंडलिंग की थी रात को, तो वो ना सारे अंडे ख़राब थे, तकरीबन अब 5 अंडे बचे। ये मुर्गी ना बिल्कुल सही इंक्यूबेट नहीं कर रही अपने अंडे, पता नहीं ऐसा क्या बनेगा। हमारा ना इंक्यूबेटर भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, फिर हम इनको अगले अंडे इंशाल्लाह इंक्यूबेटर में रखेंगे। तो अभी इस मुर्गी को देखें, मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये देखें ये 5 अंडे, 5 से 6-7 अंडे मैंने इसके नीचे रखे थे, वो भी इसने सारे बाहर निकाले हैं। ये देखें वो, ये क्या, ये तो तुम्हारी दूसरी वाली मुर्गी है। हाँ पीछे होना जरा। अच्छा ये वाली मुर्गी एक्सचेंज हो गई है दोनों एक दूसरे में अंडों से, ये इधर आ गई यार, वो मुर्गी उधर बैठ गई है। वाह चलें कोई नहीं, वो ये 7 अंडे इंक्यूबेट कर लेगी। नीचे नीचे कर देते हैं अंडे, चलो तुम अच्छी तरह इंक्यूबेट करो अपने अंडों। अब आपको अपने रैबिट्स दिखा रहता हूँ, ये देखें हमने अच्छी तरह इनके आगे ईंटें लगाई हुई हैं। मैं आपको बाहर से दिखा रहता हूँ क्या हुआ शाम, क्या हुआ इसके ना बेचारे की थोड़ी तबीयत ख़राब है, अब इसके लिए दुआ करें। वो देखें वो देखें वो देखें, माशाल्लाह इनकी भी ना सही है बस। हाँ वो देखो हमारे रैबिट के बेबीज। मिलते हैं ये कितने प्यारे हैं। तो अभी ना मैं इनको खोल नहीं सकता, क्योंकि ना ये देखिए हमने अच्छी तरह ईंटें लगाई हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा ये देखिए बाहर से देख लें आप। वो देखिए हमारे रैबिट्स बेबीज। और ना यार शाम क्या कर रहे हो, इनको बहुत मेहनत लगनी है, फिर दोबारा ईंटें रखेंगे, दोबारा फिर उठाएँगे, इसलिए ना अगर तुम बाहर से देख लें। वैसे ये देखें दो ही हैं सिर्फ, अगर ज़्यादा शाम आप कितना शरारती हो गई हो। रैबिट के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वो नहीं पकड़ते। आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब हुई है थोड़ी सी? तबीयत चलो ठीक है दोस्तों। अभी ना हम वो ऊपर देख रहे थे, वो उधर ना यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे ये इस दरख्त पे ना चिड़िया उसका चील का घोंसला बना हुआ है, और चील के घोंसले में ना उसने बच्चे दिए थे शायद, हमें पता नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, वो जरा गौर करें, वो देखें वो देखें वो देख रहे हैं आप, चील का बच्चा एक पड़ा हुआ है। अभी हम उसको जा रहे हैं रेस्क्यू करने, वो काफ़ी ज़ख्मी लग रहा है बेचारा, वो ऊपर ऊपर वाले घोंसले से बिल्कुल गिरा है, वहाँ से देख रहे हैं से सीधा नीचे गिरा है आगे। चले अब इसको रेस्क्यू करने चलते हैं आज, वो देखिए आपको दिखा रहा था। चले हम इसको रेस्क्यू करने चलते हैं आज शाम, अपने चील के बच्चे को रेस्क्यू करने चले, फिर उस चील के बच्चे को हम पालेंगे और बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। चले वहाँ जाके फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। उसको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ना वहाँ के उसके ऊपर माँ बाप भी, उसके माँ बाप फेर रहे होंगे, चील बड़ी चील हैं और फेर रही होंगी। तो ना मैं और मेरे पापा हम चलते हैं वहाँ, शाम को घर ही छोड़ देते हैं, इसलिए चले वहाँ जाके फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ ये इस घर के अंदर वहाँ गिरा है चील का बच्चा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें ऊपर इसका घोंसला बना हुआ है, आपको सही तरह नज़र नहीं आएगा, मैं आपको दिखा रहा था। वो देखें वो देखें वो इसका घोंसला बना हुआ है, वो देखे वहाँ। हाँ जी ये देखे, ये यहाँ से वो सीधा अंदर गिरा है। अभी हमें यहाँ आ गए हैं यार, अभी हमें इसको रेस्क्यू करते हैं अंदर जाके। चले दोस्तों चलते हैं, ये रास्ता बहुत गंदा है। यहाँ से टाप के जाना पड़ेगा।
दोस्तों अभी हम अंदर आ गए हैं, यहाँ से होकर चलते हैं। वो पीछे चील का बच्चा पड़ा हुआ है, जगह भी बहुत खतरनाक सी है। ये देखें, टेलीस्कोप घर लेके जाते हैं अब दोस्तों। बिना शाम को लाते हैं, ये देखते हैं फिर शाम का रिएक्शन देखते हैं। किसान देखो मैं क्या लाया हूँ, ये देखो, ये देखो क्या है, लगाओ कोई काटी कर लेगा, काटी कर लेगा ये, चलो नहीं मजाक पकड़ पकड़, नहीं नहीं ब्रांड नहीं कर रहे। अच्छा आओ ये देखो कितना प्यारा है ना ये, नहीं नहीं ये काटता नहीं, मजाक कर रहा हूँ, देखो कितना कह रहा है ना। चल अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, जो इसको खाना पीना खिलाते हैं। मुझे तो जूते पहन के आओ, जूते पहन के आओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ, आपको देना, आप ऊपर जाओ ना, आपको देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, आप फिर ब्लॉग में जाना ना आपने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। भैया जी ऊपर गए, उसको पानी पिलाओ, जाके खाना खिलाओ, छोड़ इधर छोड़ देना नीचे, इसको छोड़ के इसके ऊपर दो तीन मिनट इसके ऊपर कर के पार करा दो, इसकी टांगे खराब है। ये देखो दोस्तों बेचारा बिल्कुल ढाल लेट गया, हाँ बेचाला, हाँ तो पानी पिलाते हैं इसको। बाबा बचाले की हालत खराब हो गई है, क्या हुआ इसको बाबा, बाबा बचालो उल्ले बाला। अच्छा उसको प्यास लगी है ना भैया जी को, उसको पानी पिलाओ फिर उल पाएगा, हाँ पानी पिलाओ, इसकी मामा भी आ रही है ऊपर से, इसकी मामा भी हमें काटेगी शाम, क्यों वो कहेगी मेरा बच्चा नहीं लेके गई हो, नहीं काटेगी। अच्छा हम इसकी माँ तो भी पाल लेंगे बाबा, ये तो अच्छा है, तो दोस्तों इसके लिए पानी लेके आया हूँ, अब इसको जरा पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, ये देखिए पानी पी रहा है, बच्चे पानी पी ला, मैं छोटा बच्चा, ये देखो पानी या कलेजी लेके आ ना वीडियो, हाँ दोस्तों अभी हम इसके लिए कलेजी लेके आए हैं, तो देखें छोटे छोटे पीस करके इसके मुंह में डाल, छोटे छोटे पीस करके, छोटे छोटे, हाँ इसके इसको खिलाने की कोशिश करते हैं, मुझे ना काट ले बाबा, बाबा मुझे दे क्यों नहीं ले, ये खा लिया खा लिया खा लिया बाबा, खा लिया खा लिया खा लिया, देखना वो नहीं खा रहा,
कर लीजिए, उसके आगे कुछ नहीं होता। खैर सारी वीडियो इसको ऊपर रख दे, फिर चील देखी आएगी, इसको ऊपर रख दे रहा, वो वहां पे रख इसको सारी। खैर कट कर देंगे, ये देखें ये चक्कर लगाई जा रही है इर्द गिर्द। ये इसका बच्चा ये पड़ा हुआ है। शाम हम चील दे, बच्चा दे दे इसको। नहीं हम ही पालेंगे, अभी हम पास खड़े हैं ना, इसलिए वो वहाँ ला के बैठ गई है। देखिए मुझे लगता है शायद इनके माँ बाप हैं। क्यों बच्चे तो लेते जा रही है, बच्चे तो लेते जा रही है, बच्चे तो लेते जा रहे हैं।